वेलकम टू सेशन थ्री ऑफ चैप्टर नंबर फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास टेंथ. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ओके, दिस टॉपिक इज नॉट हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम अवर सिलेबस विद रेस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट यू हैव टू लर्न बिकॉज इट इज गिवन इन यूर एनसीईआरटी और इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो if you opt for maths. Okay, so today we are going to learn about the method of completing the square to solve the quadratic equation. So method of completing the square, this is the method of completing the square, and there are four types of questions. Okay, so this is the standard form of quadratic equation, ax square plus bx plus c is equal to 0. Here two types of question. If a is equal to 1, a is not equal to 1. We'll see one example for each type of question. Okay, so if a is equal to 1, this quadratic equation will be in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, अगर a 1 हो जाएगा तो ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हो जाएगा. नाउ हियर विद रेस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ b, वी हैव टू ऑप्शंस. b इज इवन, b इज एन ऑड. ठीक है, b इज एन इवन एंड b इज एन ऑड, या b इज इवन b इज ऑड. ओके, सो वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. हियर ऑल्सो our equation is in the form of this. B is odd, B is even. So we will see all these four type of question, okay, one by one. So first of all, we'll concentrate on x square plus bx plus c is equal to 0 form. So I'm going to take one example. X square plus 4x minus 5 is equal to 0. This is B is an even first. ठीक है, ये वाला फर्स्ट होगा, ये सेकंड. b इज इवन, दिस आई विल टेक थर्ड एंड दिस आई विल टेक फोर्थ. फोर एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू डू. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू शिफ्ट द कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड. ठीक है, पहले स्टेप में हम लोग को क्या करना है, कांस्टेंट को शिफ्ट कर दो. सो आफ्टर शिफ्टिंग व्हाट वी विल गेट, x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5. अभी x का जो भी कोएफिशिएंट है, व्हाट एवर द कोएफिशिएंट, वेदर इट इज पॉजिटिव, वेदर इट इज इवन और ऑड, वी हैव टू टेक 2 कॉमन. ठीक है, सो क्योंकि ये इवन नंबर है इसलिए 2 आराम से निकाल सकते हैं. इफ वी विल टेक 2 फ्रॉम 4, व्हाट विल लेफ्ट, 2 ओनली. ठीक है, अभी ये 2 यहां पे x के साथ जो भी बचा हुआ है, व्हाट एवर द नंबर लेफ्ट ओवर हियर अलोंग विद x, उसका स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर वी हैव टू ऐड बोथ साइड्स. ओके, सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2, 4. सो वी हैव टू ऐड 4 टू बोथ साइड्स. दोनों साइड हम लोग 4 ऐड कर दिए. नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर. तो ये कैसे लिखेंगे, x प्लस 2 होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 इज 9. So 9 का स्क्वायर रूट, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स विल गेट प्लस माइनस 3 दिस साइड. इज दैट क्लियर. नाउ समटाइम्स यू मे गेट नेगेटिव साइन हियर. कभी कभी ऐसा होता है जब सॉल्व क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ इट इज गिवन दैट इन द क्वेश्चन दैट इफ फाइंड द सॉल्यूशन इफ इट एग्जिस्ट, दैट मीन्स यू हैव टू चेक वेदर द स्क्वायर ऑफ नंबर इज पॉजिटिव और नॉट. If you will get after solving negative number here, that means the solution does not exist. Okay, is that clear? Real solution does not exist. Why? Because what is real numbers? The square of all numbers, the square of the number whose square is always positive is a real number. So यहाँ पे अगर हम लोग square ले रहे हैं और negative आ गया, that means real solution is not possible. ओके, सो यहां तो पॉजिटिव आ रहा है, सो पॉसिबल है. सो वी हैव x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3. नाउ शिफ्ट प्लस 2 टू दिस साइड,
So we'll get finally 1. Here we'll get minus 5. So 1 and minus 5 is the required answer. So this is one type of question. Now let us move towards the second type of question, that if B is odd number. Okay? So uska bhi ek example le raha hu main, chota sa example. Very small example. X square plus 5x plus 6 is equals to 0. So just I told you that the first step is to move the constant. Shift the constant. Okay, constant ko idhar shift kar. So it will become minus 6. Now the second step, whatever the coefficient of x, we have to take 2 common. So yahan even number tha. So if for even number it is very easy to take 2 common, but what about odd number? So odd number, how will you take 2 common? You have to multiply and divide. Okay? So yahan pe 2 multiply divide karenge aise. Right? Kyunki 5 mein se 2 hum log nahi nikal sakte. We can't take 2 common from the 5. So what we have to do? We have to multiply and divide by 2. अभी x के साथ में जो भी कोएफिशिएंट, जो भी नंबर बच रहा है, व्हाट एवर द नंबर लेफ्ट ओवर अलोंग विद x, द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर वी हैव टू ऐड बोथ साइड्स. यहां पर भी वही किए थे, यहां 2 बचा था, द स्क्वायर ऑफ 2 वी हैव एडेड टू बोथ साइड्स. सो हियर आल्सो दैट द सेम वी विल डू. सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5 बाय 2? 25 बाय 4. सो वी हैव टू ऐड बोथ साइड 25 बाय 4. Okay, now this is in the form of a plus b whole square. What is b? 5 by 2. So a plus b whole square. Or right side mein what we have to do? We have to take LCM. So ye ho jayega minus 24 plus 25, minus 24 plus 25 ho jayega 1 by 4. Okay, now what is the square root of 1 by 4? It is plus minus 1 by 2. So taking square on both sides. Ab yahan par dekho, here the square of this is plus 144. That means the solution, real solution is exist. So yahan pe square root le liye. X plus 5 by 2 is equals to 1 by 2. Ek bar plus lenge yahan par aur ek bar we'll take minus over here. Okay. Now shift plus 5 by 2 to this side. Yahan par bhi shift karenge. So 1 by 2 minus 5 by 2. Here also we are shifting. Minus 1 by 2 minus 5 by 2. Okay, now we have to take LCM. So yahan pe 2 dono mein same hai. So 1 minus 5. Here also the same denominator. So 1 minus 5 is minus 4 by 2. That is minus 2. Okay. And this is minus 6 by 2. That is minus 3. So minus 2 and minus 3 are the required solution of this quadratic equation. So this is the method of completing the square. Okay. So we have seen this two type of question. Now we are moving towards the another two type of question. Okay. So थोड़ा से आप ड्रिल करेंगे सो इजी लगेगा. इफ यू ड्रिल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द मेथड इज नॉट हार्ड टू सॉल्व. बट इफ मेथड इज नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, इफ मेथड इज नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू यूज दिस मेथड. ओके, यू कैन यूज आइदर फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, जो अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे. Right. Now the third type of question. Third type of question, ax square plus bx plus c is equals to 0 mein b even number hoga. Theek hai? So we'll do odd first. 2x square minus 7x plus 3 is equals to 0. Okay. So isme thoda se strategy alag hoga. What we will do, we will make the x square, the coefficient of x square 1. ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो देखा है, जस्ट वी हैव सीन दैट द टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, इन दैट टू टाइप ऑफ क्वेश्चन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाज 1. सो वी विल कन्वर्ट दिस इक्वेशन टू दैट फॉर्म.
सो ये टू को हटाएंगे, हाउ विल यू रिमूव टू, डिवाइड ऑल बाय टू, ठीक है. सो इफ यू डिवाइड ऑल बाय टू यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस सेवन बाय टू प्लस थ्री बाय टू इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो ऐसा हम लोग क्यों किए, जो पिछले वाले जो दो टाइप के क्वेश्चंस थे उस फॉर्म में लाने के लिए. राइट, नाउ अगेन द सेम स्ट्रेटजी, वी हैव टू शिफ्ट द कांस्टेंट, कांस्टेंट को शिफ्ट करेंगे इस साइड में. सो माइनस थ्री बाई टू, नाउ वी हैव टू टेक टू कॉमन फ्रॉम दिस सेवन. द नेक्स्ट सेवन में से टू नहीं निकाल सकते, वी कांट टेक टू कॉमन फ्रॉम द सेवन. सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू. सो टू इंटू करेंगे और टू डिवाइड करेंगे, तो ये जो टू था वो दैट विल बिकम फोर. नाउ विच नंबर इज अलोंग विथ एक्स, सेवन बाय फोर, सेवन बाय फोर, द स्क्वायर ऑफ सेवन बाय फोर वी विल एड टू बोथ साइड्स. ओके, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो ये मुझे ये हो जाएगा एक्स माइनस सेवन बाई फोर होल स्क्वायर. मतलब दिस इज क्लियर, राइट. सो नाउ हियर वी हैव टू सिंप्लीफाई, फोर्टी नाइन बाई सिक्सटीन इट विल बिकम, नाउ टेक एलसीएम, टू सिक्सटीन, एलसीएम इज सिक्सटीन, इधर एट से टू करना पड़ेगा, माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टी नाइन. सो फाइनली वॉट वी आर गेटिंग, ट्वेंटी फाइव बाई सिक्सटीन प्लस. सो हियर इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इफ द सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इफ दे एग्जिस्ट, ओके, क्वेश्चन इटसेल्फ इट इज गिवन दैट. सो यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आया, दैट मीन्स विच इज ग्रेटर दैन जीरो. सो दिस विल इम्प्लाई सॉल्यूशन एग्जिस्ट. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, we get x minus 7 by 4 is equals to plus minus, what is the square root of 25? 5. Square root of 16? 4. So 5 by 4 is right now. Okay. So we'll take 1 a power plus 5 by 4 lenge, and the other side will take minus 5 by 4. Okay, then this plus 7, minus 7 by 4 will shift over here. यहाँ पर भी शिफ्ट करेंगे, सो व्हाट इट विल बिकम दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर. सो एक्स इज इक्वल्स टू सेवन बाई फोर प्लस फाइव बाई फोर, दिस इज द फर्स्ट वन, एंड द सेकेंड वन एक्स इज इक्वल्स टू सेवन बाई फोर माइनस फाइव बाई फोर. ओके, नाउ टेक एलसीएम, सेवन प्लस फाइव, सेवन प्लस फाइव इज ट्वेल्व, सो ट्वेल्व बाई फोर इज थ्री. यहां पे 7 minus 5 by 4. 7 minus 5 is 2. So we'll get 1 by 2. So 3 and 1 by 2 are the required zeros. Okay. Now the last type of question, that is when B is even number, we are going to solve this question. 2x square minus 6x plus 3 is equals to 0. Okay. So what we will do, we will make the coefficient of x square 1. So how will you make it 1? We have to divide all by 2. So x square minus 6 by 2, x plus 3 by 2 is equals to 0. So whenever we are dividing it by 2, don't simplify this one. Take it, don't simplify this one. Otherwise what will happen? If you simplify this one, this will become odd 3. Okay, again you have to multiply divide by 2. So that is why you don't simplify this one. Now take 2 common from this. So yahan se 2 agar nikalenge to kya bachega? 3 by 2. Theek hai? And in the same step we can shift the constant to this side. Ye dono kaam hum log ek step mein kar sakte hain. Ya to first aap constant ko shift karo, then you take 2 common. Or you can do both in the same step. Okay, that is up to you. So, or you, then after this, what we have to do?
whatever the number along with x, the square of that number we have to add both sides. What is the square of 3 by 2? 9 by 4. Okay, so this will become x minus 3 by 2 whole square. And right hand side we are going to simplify. So 2 or 4, the LCM is 4. यहाँ पे माइनस सिक्स इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू टू इंटू टू सिक्स माइनस सिक्स हो जाएगा प्लस नाइन एंड फाइनली विल गेट थ्री बाई फोर. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाई फोर? द स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाई फोर इज प्लस माइनस रूट थ्री बाय टू. प्लस माइनस रूट बिकॉज देर इज नो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री. ठीक है, थ्री का कोई भी स्क्वायर रूट है नहीं तो उसको रूट थ्री लिखेंगे यहाँ पर. नाउ शिफ्ट माइनस नो, इसके दो ऑप्शन होंगे, एक प्लस रूट थ्री बाई टू, अनदर वन माइनस रूट थ्री बाई टू. नाउ शिफ्ट दिस टू दिस साइड, दिस टू दिस साइड. सो इफ यू शिफ्ट माइनस थ्री बाई टू टू दैट साइड इट विल बिकम प्लस थ्री बाई टू. So finally we get 3 plus root 3 by 2. Okay, here same way we can do. इसको यहाँ shift करेंगे तो plus हो जाएगा. So these two are the required solution of this equation by method of completing the square. Okay, now we are going to derive the formula for quadratic formula, and that derivation will do it by method of completing the square itself. The third method is quadratic formula. That method is also known as Sridhar Acharya rule. Okay, so that formula we are going to derive right now by using method of completing the square. बिल्कुल अभी जो मैंने method बताया उसी हिसाब से करेंगे. What is the standard form? Ax square plus bx plus c is equals to 0. What is the first step? I told you just now we have to make the coefficient of x square one. तो one करने के लिए क्या करना पड़ेगा? We have to divide all by a. Okay. Now shift this to this side. Constant को shift करेंगे. We'll shift the constant. So this will become minus c by a. Now we have to take two common from this b. So we can't take directly. So what we will do? We will multiply divide by 2. So ये क्या हो जाएगा? 2 into b by 2ax is equals to minus c by a. Now whatever the number along with the x, the square of that number we have to add to both the sides. So इसका square क्या करेंगे? दोनों side हम लोग add करेंगे. b by 2a whole square, b by 2a whole square. Now this is in the form of x plus a whole square, right? X plus a की जगह पे b by 2a है. And right side we are going to simplify. This is minus c by a plus b square upon 4a square. What is the LCM of a and 4a square? 4a square. Okay, so यहां पर हो जाएगा माइनस 4ac प्लस b square, right? So this will imply x plus b by 2a whole square. We will write in this way, b square minus 4ac upon 4a square. Now take square root of both sides. What we will do? We will take square root on both sides. So it will become, अब इसका तो square root नहीं ले सकते हैं, तो we'll write root over b square minus 4ac by the square root of 4a square is 2a, and this is plus minus. Now we have to shift this to this side. So minus 2 by b by 2a plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. Okay,
तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके सॉल्व किए थे हम लोग ये इससे पहले वाले एग्जांपल में. नाउ टेक एलसीएम. इफ यू टेक एलसीएम दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, श्रीधर आचार्य रूल जो बोलते हैं यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन वी कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ x. टू वैल्यूज विल गेट. ओके, सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड एक्सरसाइज, विल ट्राई टू कंप्लीट द फर्स्ट क्वेश्चन. इन दैट क्वेश्चन वी हैव टू डू इट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी फर्स्ट बिट वी हैव कंप्लीटेड, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो वी हैव टू स्टार्ट सेकेंड बिट. Second bit. The question is that 2x square plus x minus 4 is equals to 0. So what is the first step? We have to make x, the coefficient of x square 1. So kaise karenge? Divided by 2. So yahan pe 1 hai, kuch bhi nahi likha, that means 1 is there. So minus 4 by 2 is equals to 0. So what is 4 by 2? 4 by 2 is 2. शिफ्ट दिस टू दिस साइड. पहले कॉन्स्टेंट को शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, सो दिस विल बिकम प्लस 2. नाउ व्हाट वी डिड, वी हैव टू टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस. ओके, सो 1 में से 2 कॉमन नहीं निकाल सकते, सो व्हाट विल डू, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2. सो दिस 2 विल बिकम 4. नाउ व्हाट एवर द नंबर अलोंग विद x, द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर वी हैव टू एड बोथ साइड्स. ठीक है, like that, 1 upon 4 whole square, 2 plus 1 upon 4 whole square. Now this will imply, now this is in the form of x plus 1 upon 4 whole square, and we have to simplify this one. So LCM lenge, 32 plus 1 by 16, that is 33 upon 16, which is greater than 0. So this will imply solution exists. Okay. So taking square root we'll get plus minus root 33 by 4, because the root of 33 will write root 33 only, plus minus 4. Now shift this to that side. So minus 1 by 4 plus minus root 33 by 4. Now take LCM. So one answer is minus 1 plus root 33 by 4. The second answer is minus 1 minus root 33 upon 4. These are the two solutions. Now the third bit, the question is 4x square plus 4 root 3x plus 3 is equals to 0. So again, what we are going to do, we are going to make the coefficient of x square 1. For that, what we have to do, we have to divide all by 4. ठीक है, सबको 4 से divide करेंगे. Now after this, what we have to do, we have to shift the constant to right hand side. Okay, now we have to take 2 common from root 3. नहीं निकाल सकते, वी कांट टेक 2 कॉमन फ्रॉम रूट 3. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. सो 2 इनटू रूट 3 बाय 2x. नाउ सी व्हाट इज द नंबर अलोंग विद द x, रूट 3 बाय 2. नाउ वी हैव टू ऐड द स्क्वायर ऑफ दिस रूट 3 बाय 2 टू बोथ साइड्स. ओके, सो वी आर एडिंग. So what is the square of root 3 by 2? 3 by 4. So these two will be cancelled with each other and we'll get a 0. And this will become a perfect square. So x plus
root 3 by 2 whole square, and this is equals to 0. So whenever we are getting the square of up to this step equal to 0, then we are getting the equal real roots. Okay. So इसको factors में हम लोग कैसे लिखेंगे? X plus root 3 by 2 into X plus root 3 by 2 equals to 0. So finally we get X is equals to minus root 3 by 2. Here also X is equals to minus root 3 by 2. So now only one bit is left, that is the last one, fourth bit. 2x square plus x plus 4 is equals to 0. Okay. So here, what is the first step? Just now I told you that we have to make it the coefficient of x square 1. So we have to divide all by 2. So 2 se divide karenge. 3, 4 by 2, 2 ho jayega. Now we will shift the constant to this side. So what we will get? Minus 2. Now we have to take 2 common from this. 1 se 2 nahi nikal sakte, so we can't take 2 common from 1. So what we have to do? We have to divide, multiply and divide by 2. So this will imply x square plus 2 into ye denominator by 4 ho jayega. Now whatever the number along with the x, the square of that number we have to add to both sides. So what is the square of 1 by 4? 1 by 16. Okay, so this will become a perfect square, that is x plus 1 upon 4 whole square, and we have to take LCM here. So here minus 32 plus 1 upon 16 ho jayega. So minus 31 upon 16, which is a negative number. So since the square of any real number is never negative, therefore the real solution is does not exist. So that we have to write. Since the square of all real numbers is greater than equals to 0, therefore the real solution does not exist. Okay, so we have completed the first question. So in tomorrow, next session, we will start, we will do some questions based on quadratic formula. Second question jo hai wo first question ka hi solution hum logo quadratic formula se nikalna hai. Okay, so that's all for today's class session. Thank you very much.